हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब? सबको अच्छे होंगे। तो चलिए, डिजिटल आईटीआई ग्रुप में आप सबका स्वागत है। आज हम आपके लिए एक छोटा सा टॉपिक स्पैनर लेके आए हैं कि स्पैनर है क्या, स्पैनर का वर्क क्या है, स्पैनर किस धातु से बना होता है और स्पैनर्स का पार्ट्स क्या क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि स्पैनर स्पैनर जो होता है, स्पैनर वेनेडियम स्टील का बना होता है जो किसी पार्ट्स पुर्जे को खोलने या कसने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। अलग अलग प्रकार के स्पैनर होते हैं जो अलग अलग पार्ट्स और पुर्जे को खोलने में सहायक और मददगार होता है। आज आधुनिक युग में सबसे ज्यादा किसी औजार की आवश्यकता पड़ती है तो वो है आपका स्पैनर। यानी कि स्पैनर का प्रयोग हर वो जगह किया जाता है जहां पे खोलने या कसने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हम सबसे पहले बात करेंगे आपका स्पैनर का पार्ट्स और स्पैनर का धातु आपको हम बता दिए। तो सबसे पहले मान लीजिए कि ये है सिंगल ओपन स्पैनर। सिंगल ओपन स्पैनर है जो किसी पार्ट्स को खोलने में यह आसानी से ये जो है किसी नट बोल्ट में आसानी से फंसा लेता है और खोलने और कसने में इससे क्या है कि मजबूती ज्यादा मिलता है। सिंगल ओपन स्पैनर में मजबूती ज्यादा मिलता है और इससे काफी जल्दी कोई भी नट, चाहे हेक्सागोनल हो चाहे ऑक्टागोनल हो, कोई भी नट आसानी से खुल जाता है। इसमें क्या है, ये जो है इसका हेड है, ठीक है, और ये आपका हैंडल है। ठीक है, ये हेड हो गया और ये आपका हैंडल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं डबल ओपन इंडेड स्पैनर। ठीक है, ये आपका थोड़ा सा बड़ा होता है, ये आपका हेड हो गया, ठीक है, और ये हल्का छोटा होता है। ठीक है, यानी कि यह दोनों साइड का जो माउथ होता है ओपन होता है या आसानी पूर्वक, जैसे मान लीजिए कि यह आपका 25 हो जा सकता है और ये आपका 27 है, यानी 25-27 का इसको स्पैनर हम कह सकते हैं। यानी कि एक साइड आपका बड़ा हो सकता है, दूसरा साइड छोटा हो सकता है। यानी कि एक स्पैनर से, एक डबल ओपन इंडेड स्पैनर से आप दो नट बोल्ट को खोल सकते हैं, यानी कि दो साइज वाले नट बोल्ट, यानी एक साइड में आपका 25 और एक साइड में 27 का नट बोल्ट आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया डबल ओपन इंडेड स्पैनर। अब हम बात करते हैं क्लोज इंडेड स्पैनर। क्लोज इंडेड स्पैनर क्या होता है कि ये काफी मजबूती प्रदान करता है। मान लीजिए कि कहीं कहीं होता क्या है कि किसी नट या बोल्ट का जो ऊपर का हेड होता है वो ब्लंट हो जाता है या हल्का घिस जाता है, ज्यादा उसमें स्पैनर का हम लोग प्रयोग करते हैं तो वो घिस जाता है। तो उसमें क्या होता है कि जब हम क्लोज स्पैनर का जब प्रयोग करते हैं तो क्या करता है कि बोल्ट में जाके आसानी से बैठ जाता है, गैप को पूरा पकड़ लेता है, और पकड़ने के बाद क्या है जब हम उसको खोलते हैं तो वो क्या करता है, स्लिप करने का चांसेस बहुत कम होता है। क्लोज इंडेड जो स्पैनर है वो नट बोल्ट में पकड़ने के बाद वो जो है आपका स्लिप होने का चांसेस बहुत कम होता है। ठीक है, इसलिए ये काफी मजबूती प्रदान करता है और आसानी से नट बोल्ट को खोल देता है। ठीक है, ये हो गया आपका क्लोज इंडेड स्पैनर। अब हम बात करते हैं आपका कॉम्बिनेशन स्पैनर। ठीक है, ये है कॉम्बिनेशन स्पैनर, ये आपका क्लोज इंडेड है, ये आपको दिखाया गया है क्लोज इंडेड है और यह आपका ओपन इंडेड है। ठीक है, तो क्लोज और ओपन इंडेड में आपका जो क्लोज होता है यह नॉट या बोल्ट को इतना जकड़ लेता है कि आप किसी भी एंगल से खोलिएगा, यानी जिसको झटका भी दीजिएगा तो भी और नट बोल्ट से ये स्लिप होने का चांस नहीं देगा आपको। ठीक है, यानी कि आसानी से उसको खोल देगा। क्लोज हो गया आपका ओपन। ओपन में क्या है कि ओपन में आप आसानी से आपको जो भी नट बोल्ट खोलना है उसको, अगर थोड़ा सा हल्का अगर गैप भी है तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं कि छोटा सा पत्ती या छोटा सा वाशर उसमें लगा देते हैं और लगाने के बाद उसमें हम क्या करते हैं उस नट या बोल्ट को आसानी से खोल लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका कॉम्बिनेशन ओपन स्पैनर। ठीक है, अब बात करते हैं फेस स्पैनर। ये भी आपका एक स्पैनर है, इसको हम लोग फेस स्पैनर करते हैं। इसमें क्या है कि इसके एक हैंडल होता है, हैंडल में दो जगह ये ओपन आपका एक फेस बना दिया जाता है जो कि ये आपका मेल टाइप हो गया, यानी कि ये आपका मेल हो गया
और फीमेल के अंदर एक अगर स्क्वायर में नट बोल्ट कटा हुआ है तो उसमें डालकर इसको आसानी से खोला या कसा जा सकता है। ठीक है, दोनों का जो डायमेंशन यानी साइज है अलग अलग होता है। ठीक है, ये जो होता है आपका 90 डिग्री पे होता है, ये जो इसका फेस होता है ये आपका 90 डिग्री पे होता है। आप ध्यान से देखिए जो फेस प्लेट है आपका, ये आपका 90 डिग्री पे होता है। ठीक है, ये आपका होगा फेस प्लेट। ठीक है, अब हम बात करते हैं टूल पोस्ट स्पैनर। टूल पोस्ट स्पैनर जो है एक आपका जो होता है ये जो ओपन है, ओपन ओपन इंडेड, एक ओपन इंडेड है और ये है आपका स्क्वायर यानी कि वर्गाकार, ये आपका वर्गाकार स्पैनर है यानी कि इसको हम आपको टूल पोस्ट स्पैनर कर सकते हैं। ये जो वर्गाकार होता है यानी किसी नट बोल्ट को जो वर्गाकार खोलना या कसना हो तो उसको आसानी से इसको हम फंसा सकते हैं। जैसे एक जगह दो साइज का नट बोल्ट खोलना है तो वहां पे इसको ले जाके आसानी से, स्क्वायर भी हो तो उसको आसानी से ये लगाकर खोलेंगे, और ये आपका हेक्सागोनल या ऑक्टागोनल हो तो ये वाला डालकर आसानी से खोल सकते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका टूल पोस्ट स्पैनर। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं पाइप रिंच। पाइप रिंच में क्या है कि ये वाला जो पार्ट है ये एडजस्टेबल, ये एडजस्टेबल स्क्रू होता है जिसको हमको घुमाने से ये वाला जो है आपका मूवेबल मूवेबल जॉ होता है। ये आपका मूवेबल जॉ है जो ये स्क्रू को जब हम घुमाते हैं तो क्या करता है, आगे पीछे स्लाइड करता है। आगे पीछे स्लाइड होने के कारण कि हमको अगर किसी गोलाकार पाइप को खोलना है या फिर नट बोल्ट को खोलना है तो उसको उसी डायमेंशन में ले जाकर और आसानी से उसको पकड़ के खोल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एडजस्टेबल स्क्रू हो गया। ठीक है, ये आपका हैंडल हो गया। ठीक है, ये आपका हैंडल हो गया और ये आपका फिक्स जॉ हो गया, फिक्स जॉ हो गया। ठीक है, तो पाइप रिंच का सबसे ज्यादा प्रयोग हम लोग किसी गोलाकार पाइप या रॉड या छर को घुमाने या खोलने या कसने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं एलन की। एलन की का प्रयोग जहां पे एलन स्क्रू यहाँ पे दिया हुआ है, जहां पे एलन स्क्रू का प्रयोग यानी कि लगा रहता है नट बोल्ट के रूप में, वहां पे हम लोग एलन की का प्रयोग करते हैं उसको आसानी से खोलने के लिए। ठीक है, यहाँ पे एलन स्क्रू दिया हुआ है, एलन की दिया हुआ है यानी कि नट बोल्ट के जगह पर अगर इसका हम प्रयोग करते हैं तो वहां पे हमको एलन की का प्रयोग करना पड़ता है। ठीक है, एलन की और यह एलन स्क्रू यानी दोनों का प्रयोग सेम होगा। ये आपका स्क्रू हेड है और ये आपका एलन स्क्रू यानी कि हैंडल है। ठीक है, ये हेक्सागोनल आपका ब्लाइंड होल है। ठीक है, जो आपका बंद रहता है। अब बात करते हैं हम ये आपका एडजस्टेबल स्क्रू स्पैनर। एडजस्टेबल स्क्रू स्पैनर का प्रयोग यहाँ पे आप ध्यान से देख सकते हैं, एडजस्टेबल स्क्रू स्पैनर का प्रयोग सबसे ज्यादा आपको कंजस्टेड नट बोल्ट को खोलने और कसने में किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि आपका नट बड़ा हो या छोटा हो और वहाँ पे स्पैनर का प्रयोग आप नहीं कर सकते, या उस साइज में स्पैनर आपका यूज नहीं कर सकते, वो साइज का जो स्पैनर है उसमें हम लगा कर खोलने या कसने की जब आवश्यकता पड़ती है तो स्लिप कर जाता है या फिर वो प्रयोग में नहीं ला सकते, तब वहाँ पे हम लोग एडजस्टेबल स्क्रू पाना का प्रयोग करते हैं। ये आपका एडजस्टेबल स्क्रू पाना जिसको इसको हम लोग हैंडल करते हैं, ये आपका एडजस्टेबल स्क्रू हो गया जिससे हम लोग घुमाते हैं कम ज़्यादा कर सकते हैं, ये आपका फिक्स जॉ हो गया और ये आपका मूवेबल जॉ हो गया। ठीक है, बाकियों स्पैनर से इसमें आपका फायदा क्या है कि जहाँ भी आपको लगे कि हाँ हम वहाँ जा रहे हैं, हमें स्क्रू पाने की आवश्यकता पड़ सकती है तो आप उसको वहाँ लेके जा सकते हैं और इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया एडजस्टेबल स्क्रू पाना। अब बात करते हैं रिंग स्पैनर। रिंग स्पैनर और बाकी स्पैनर में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि रिंग स्पैनर जो होता है वो आपका जब नट बोल्ट में फिक्स करते हैं यानी बैठाते हैं तब उसमें आपका स्लिप होने का यानी कि नट बोल्ट का जो घुमाव होता है जब हम इसको घुमाते हैं तब स्लिप होने का चांसेस एकदम 5% से 10% तक होता है इसमें। ठीक है, अब ये रिंग स्पैनर में क्या होता है कि दोनों रिंग है लेकिन दोनों का साइज अलग अलग होता है। इस साइड का अलग हो जाएगा, इसे मान लीजिए इसको हम 15 दे सकते हैं और इसको हम
13, यानी कि 13 15 का आपका रिंग पाना होगा, 13 15 का ही रिंग पाना होगा, यानी कि 15 का नट बोल्ट होगा तो आसानी से हम लोग इससे खोल सकते हैं, और 13 का होगा तो इस साइड से खोल सकते हैं। ठीक है, अब ध्यान से देख लीजिए, ये आपका रिंग पाना। ठीक है, अब बात करते हैं हुक स्पैनर कि हुक स्पैनर क्या है। तो हुक स्पैनर जो है आपका एक दूसरे सिरे से क्या है, झुका होता है सिरे पर, एक दूसरे सिरे पर झुका होता है। हुक स्पैनर एक दूसरे सिरे पर ये झुका होता है। ठीक है, इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, इसका जो प्रयोग है कि कहीं कहीं आपका स्क्वायर में जो ब्लाइंड और स्क्रू दिया रहता है जहाँ पे कंजस्टेड हो, तो वहाँ पे हम लोगों को बाकी स्पैनर प्रयोग नहीं हो सकता है। कहीं कहीं कंजस्टेड एरिया हो, जैसे मान लीजिए कि बस ट्रक का कुछ ऐसा चक्का के अंदर जो खोलना है, कसना रहता है नट बोल्ट को, वहाँ पे जब हम यूज नहीं कर सकते हैं, या नीचे गुल्ला होता है, एक्सल नट होता है, या फिर जनरेटर के पास कुछ ब्लाइंड स्क्रू होता है, वहाँ पे खोलने या कसने के लिए हम लोग हुक स्पैनर का प्रयोग करते हैं, जिसका ये जो आपका हुक है ये 90 डिग्री पे बना रहता है। कितना, 90 डिग्री पे बना रहता है, और ये है एडजस्टेबल हुक स्पैनर। ये फिक्स रहता है, जबकि ये हुक एडजस्टेबल में, ये हुक है, इसको हम लोग आगे पीछे हल्का करके उसको एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे कि आपको खोलने या फिर लंबा अंदरूनी में जाना है तो खोलकर आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका स्पैनर हो गया। तो स्पैनर बस इतना ही, और बाकी स्पैनर का जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा वन बाई वन हम एग्जाम से एक महीने या 40-45 दिन पहले हम आपको प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करवाएंगे, जिससे कि आपका नज़दीक में जब आप प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो सारे क्वेश्चन आपको ज़्यादा रिमेम्बर होंगे, ज़्यादा याद रहेंगे। और अभी से भी हमें अगर स्टार्ट करा दें, हमारे पास क्वेश्चन है, अवेलेबल है, सारे क्वेश्चन है, लेकिन हम अभी नहीं डाल पा रहे हैं, क्योंकि अभी अगर हम डाल देते हैं तो आप पढ़ के उसको भूल सकते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं कि अभी फ़िलहाल आप जो भी चैप्टर वाइज फिगर है वो फिगर देखते जाए, क्योंकि एग्जाम में 50 क्वेश्चन आएंगे, इसमें कम से कम 20 या 22 क्वेश्चन आपका फिगर से रहेंगे। ठीक है, इसलिए आपको फिगर के बारे में जानना अति आवश्यक है। तो स्पैनर का टॉपिक में बस इतना ही, बाकी आपका वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हमारी वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ और हम बेल घंटी को दबाएँ, जिससे कि आपको सबसे पहले हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन मिले। जय हिंद, जय भारत।